नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहां गंगा के दो रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहां गंगा की धार है, सतयुग का सार है। कण कण में विष्णु भगवान है, क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है। भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी एपीसी न्यूज पर। ताजमहल पर विदेशी महिला पर्यटक की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि विदेशी महिला पर्यटक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। विदेशी महिला पर्यटक थाईलैंड की रहने वाली थी। 43 वर्षीय अंचल काशी पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। अंचल काशी अपने ग्रुप के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा आई हुई थी। घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। देखिए, आज एक हॉलैंड की रहने वाली महिला टूरिस्ट है यहाँ पे। उसकी आज ताजमहल के दशहरी गेट के आसपास उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है वो है मौत, उसी की वजह से उनका स्टमक का अटैक आया। बॉडी अभी पीएम के लिए भेजी गई, उनके एम्बेसी के लिए कल लिखा जाएगा। तो ये अकेली थी या इनके ग्रुप में और भी लोग इनके साथ थे? कुछ लोग थे इनके ग्रुप में जी। तो वही उनको अस्पताल वगैरह पुलिस के साथ उनको लेके गए और तभी उनकी ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। तो अभी पीएम कराएंगे और जो एम्बेसी है जिसको उनको भी इंटीमेट किया जाएगा। तो अभी इंटीमेट कर दिया गया है या मतलब वहाँ से परमिशन मिल गई है कि पीएम करवाने के लिए? या देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ दिनों तक रखा जाता है, चूँकि उनके दोस्त हैं यहाँ पे जी। तो अभी इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। सूचना मिलते ही पर्यटन पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने थाईलैंड एम्बेसी से मृतक महिला के पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी भी ले ली है। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में ही विदेशी महिला का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अगर आपके अंदर है टैलेंट, अगर आप खुद को कैमरे पर कर सकते हैं साबित, तो हम दे रहे हैं आपको मौका एंकर बनने का। अगर आपकी हिंदी पर है पकड़, बोलने और लिखने में है हिंदी में बेहतर, तो मोबाइल उठाइए, एक वीडियो शूट कीजिए। किसी भी एक टॉपिक पर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक वो वीडियो शूट कीजिए और हमें भेजिए। आपके हुनर को हम नहीं, ऑडियंस आंकेगी। लोग बताएंगे आपकी प्रतिभा में कितना है दम। अगर व्यूअर्स का आपको मिलेगा समर्थन, तो मौका देंगे हम। व्हाट्सएप करिए अपना वीडियो 7088889777 पर और ईमेल कीजिए agendapost17@gmail.com पर।